हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिजनेस कथा। आज बात करेंगे टॉप 5 और ऐसे वर्ड्स के बारे में जो कि आपकी कॉर्पोरेट वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले वर्ड के बारे में जो कि है वॉलेटाइल। जब किसी इंडस्ट्री में बहुत तेजी से बदलाव आते हैं या जब किसी इंडस्ट्री का मार्केट बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होता है तो हम कह सकते हैं कि वो इंडस्ट्री या उस इंडस्ट्री का मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। आज इंडिया के अंदर जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब इंडिया के आईटी सेक्टर में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांसपोर्टेशन का जो मार्केट है वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांसपोर्ट का जो मार्केट है उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस या बदलाव नहीं आते। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में जो कि है अंडरराइटर्स। जब कंपनीज अपने आईपीओस यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या एफपीओस यानी फर्दर पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करती हैं तो कंपनीज ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स अपॉइंट करती हैं। चलिए मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करता हूँ। एक्चुअली सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को तभी अलॉट कर सकती है जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव होने पर ही कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट कर सकती हैं। तो कंपनीज मिनिमम सब्सक्रिप्शन लाने के लिए ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती हैं। ब्रोकर्स गारंटी नहीं लेते कि वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स बिकवा देंगे, लेकिन अंडरराइटर्स गारंटी लेते हैं कि हम इतने नंबर ऑफ शेयर्स तो बिकवा ही देंगे। अगर ऐसा होता है कि ग्रांटेड नंबर ऑफ शेयर्स अंडरराइटर्स नहीं बिकवा पाते तो जितने शेयर्स अंडरराइटर्स नहीं बेच पाते वो शेयर खुद ही अंडरराइटर्स खरीद लेते हैं। मान लीजिए अंडरराइटर्स ने प्रॉमिस किया कि हम 50,000 शेयर्स आपके बिकवा दें, अगर अंडरराइटर्स सिर्फ 45,000 शेयर्स ही बेच पाए तो जो बचा हुआ 5,000 है वो अंडरराइटर्स खुद ही खरीद लेंगे। अंडरराइटर्स कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे शब्द के बारे में जो कि है रेड एंड ब्लू ओशियन। जब आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे होते हो जहां हाई लेवल ऑफ कंपटीशन होता है या यू कहे कट थ्रोट कंपटीशन होता है तो आपका बिजनेस रेड ओशियन में सर्वाइव कर रहा है। सर, आज इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो रेड ओशियन में सर्वाइव कर रहे हैं। नाउ ब्लू ओशियन, जब आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे होते हो जहां कंपटीशन नहीं है तो आप ब्लू ओशन में सर्वाइव कर रहे हो। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ये जो वर्ड है वो नेक्स्ट कमिंग वीडियो से कनेक्टेड है तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं यानी गुनाह होते हैं, एक कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और दूसरा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। जब कोई पर्सन ऐसा गुनाह करता है जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी तो वो आपका कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 99 में ये लिखा गया है कि अगर एजीएम ऑर्गेनाइज करने में कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है तो कंपनी को 1,00,000 रुपए प्लस 5,000 रुपीज पर डे जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा पेनल्टी देना होगा। तो सेक्शन 99 में सिर्फ पेनल्टी का ही जिक्र है, इसीलिए कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का प्रोविजन है ये। इसी के साथ साथ कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 56 सबसेक्शन 6 नॉन कंप्लायंस रिलेटिंग टू ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 फेलियर इन फाइलिंग रिजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सेक्शन 203 सबसेक्शन 5 फेलियर टू अपॉइंट के एमपीस, ये सारे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के प्रोविजंस हैं। अब बात करते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के केस में गुनहगार को सिर्फ पेनल्टी देनी पड़ेगी। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के केस में गुनहगार को पेनल्टी देनी पड़ सकती है या जेल जाना पड़ सकता है या पेनल्टी और जेल दोनों हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आखिरी शब्द के बारे में जो कि है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म पब्लिक कॉर्पोरेशंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रेड टेपिज्म रिजिड फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि पब्लिक कॉर्पोरेशंस के एम्प्लॉइज को फॉलो करना होता है। ये रेड टेपिज्म पब्लिक कॉर्पोरेशंस की फ्लेक्सिबिलिटी, अलायंस, डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। तो ये थे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के 5 और ऐसे वर्ड्स जो कि आपकी कॉर्पोरेट वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे। हम आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, स्टॉक मार्केट, बिजनेस स्ट्रेटजीज की नॉलेज को बढ़ाने के लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। बिजनेस के बारे में चलेगा आपको सब कुछ पता अगर सब्सक्राइब करोगे यूट्यूब चैनल बिजनेस कथा। सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।